सीरियल अनुपमा में आज के एपिसोड में बताएंगे कि बा रोते हुए कहीं जा रही थी तो अनुपमा भी उनका पीछा करती रहती है। बा खुद को कोसते हुए जा रही थी, अचानक से सामने एक गड्ढा आता है और बा उसमें गिरने ही वाली रहती है, तो झट से अनुपमा आके बा को बचा लेती है और बा से पूछती है, बा अगर आप गिर जाती तो। इस पर बा बोलती है कि और कितना गिरूंगी मैं। अनुपमा उन्हें बैठती है और समझाने जाती है। अनुपमा बोलती, देखिए बा, आपने बापूजी के साथ किया वो बहुत गलत किया। बा भी रोने लगती, बा भी यही बोलती है कि मैंने तो बहुत गलत किया, मैंने उन्हें बहुत बुरा बोला है। बा अपनी कुल मिला के गलती का एहसास होता है, प्रायश्चित होता है, और वो अनुपमा से कहती है कि किसी भी करके बेटा बापूजी को घर में बुला ले। अनुपमा भी जान लेती है कि बा को अब उनकी गलती का प्रायश्चित हो गया है। फिर अनुपमा बा को घर लाती है। उधर वनराज अपने बेटे से पूछता है, तुम बताते क्यों नहीं हो कि आखिर क्या हुआ। उतने में काव्या आ जाती है और सब बता देती है कि किस तरह बा के कहने पर बापूजी घर छोड़ के चले गए। तभी वनराज बोलता है, तुम में से तो कोई नहीं बता रहा कि बापूजी आखिर फिर बाद में गए कहाँ, मैं उन्हें ढूंढने जा रहा हूँ। उतने में गेट पे अनुपमा बा को लेके आ जाती है और जैसे ही वो एंट्री करने वाले रहते हैं वनराज उन्हें रोक देता है। वनराज बोलता है कि आपने मेरे बापूजी को भगाया है, इसलिए मैं भी आपको अंदर नहीं आने दूंगा। मैं अपने बापूजी के लिए जान ले भी सकता हूँ, दे भी सकता हूँ, पर आप तो मेरी माँ है, इसलिए आप पे मैं खुद अपनी जान दे देता हूँ। इस बीच अनुपमा से भी वनराज की बहुत बहसबाजी होती है, पर अनुपमा हर बार की तरह वनराज को समझाती है कि एक गलती से दूसरी गलती का उसका समाधान नहीं हो जाता। फिर काव्या आके वनराज को भड़काती है कि सब कुछ इस अनुपमा की वजह से ही हुआ है, और ऐसे करते हुए एपिसोड ख़त्म हो जाता है। कल बताएंगे कि वनराज दोनों को घर से बाहर निकालने की कोशिश करता है, पर अनुपमा बोलती है, आप बा को अंदर ले लीजिए क्योंकि मैं भी जानती हूँ कि मुंह पे गेट लगाने से क्या होता है। इस पे वनराज और भड़क जाता है और अनुपमा से ज़बरदस्ती गेट बंद करता है। उतने में एकदम से वनराज को धक्का लगता है और सब लोग पीछे देखते हैं, पीछे शायद बापूजी आ जाते हैं। और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें।